तो आज मैं तुम लोगों को अपने दोस्त की कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ। तो ये है बिट्टू। जब ये पहली बार ठाकुरे लेक पे आया था तब वो अकेला था और उसने ठान लिया दूसरी बार जब आएगा तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही आएगा। और ये है हमारा सबसे प्यारा भाई तरुण भाई। और ये भाई जब भी आता है हम सब एक साथ मजे करते। और अभी सबसे छोटा भाई जिसके बारे में बात करने वाले हैं ये है मोटू भाई, इसे हम प्यार से मोटू बुलाते हैं। और जो तीनों मिलके हम बिट्टू की कुटाई करने वाले हैं और इसके साथ मैं भी शामिल हूँ। तुम लोग मुझे जानते ही होंगे, तो मैं हूँ विकास। आज हम घूमने जाने वाले हैं ढाकुरिया लेक पे। तो सबसे पहले हम अपने लैंग्वेज में मतलब बंगाली में एक इंट्रो देंगे जो मेरा छोटा भाई देने वाला है। तो इसको क्या बोलना चाहिए, तुमने तो आजकल ना चले एक नया नया ब्लॉग ने स्टार्ट हो गया ब्लॉग ने तो आजकल से जाते पिकनिक क्यों था। तो गाइस ठाकुर हमरा जीते से अगर ठाकुर हमरा जा बोलो ठाकुरिया लेक आज के हमरा से तो ठाकुर हमरा धरबा गाड़ी मैजिक गाड़ी चले अभी সেখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি বেলগোরে স্টেশনে। और यहाँ पर हमारी जर्नी जो स्टार्ट हो चुका था। और सबसे पहले हम जाएंगे बेलगोरिया और वहाँ से ट्रेन लेके आ चुके थे ढाकुरिया स्टेशन पे। और स्टेशन पे उतरने के बाद अभी हम जा रहे हैं ढाकुरिया लेक की तरफ। सबसे पहले तुम्हें ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा या नीचे से भी जा सकते हो, पर नीचे ट्रेन लाइन का जो पटरी होता है वो क्रॉस करना कभी कभी रिस्की हो जाता है। और अभी पार करके अभी हम आ चुके थे ढाकुरिया लेक के गेट की तरफ। ये कौन सा गेट है मुझे पता नहीं। और अभी हम अंदर जाने के बाद हम तीनों दोस्त मिलकर घूम रहे थे। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम था जो था दुर्गा प्रतिमा का। यहाँ पर वीडियो करना अलाउ नहीं था, फ्री में कर रहा हूँ, इसीलिए तुम लोग सपोर्ट तो कर ही सकते हो मेरे भाई। और यहाँ पर हम म्यूजियम खत्म करके अभी जाने वाले बाहर की तरफ घूमने के लिए, क्योंकि बाहर का नज़ारा जो है बहुत ही औसम सा है यार। ये जो है मिनी ब्लॉग भी तुम लोग बोल सकते हो। और यहाँ पर हमारा दोस्त बैठ के सैडनेस फील कर रहा है क्योंकि साइड में कुछ लड़के या लड़की कपल जो है बहुत ही ज़्यादा गुलुम गुलुम कर रहा है। और ये सब चल ही रहा था कि हम लोग फोटोशूट करने के लिए रेडी हो गए क्योंकि ये जो प्लेस है ना बहुत ही मस्त है। और हमारे मोटू भाई बड़े भाई की फोटोशूट कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम बन चुका है, बट अभी तक लड़की नहीं बची वो अलग बात है। गजब बेइज्जती। और यहाँ पर बाहर देश से मतलब ऑस्ट्रिया से कुछ लोग आए थे जिनको म्यूजियम की रास्ते पता नहीं थी और हम लोगों ने बता दिया। और उसके बाद शाम हो चुका था। ये देख सकते हो शियाला स्टेशन भाई, कुछ अलग ही लग रहा है भाई साहब। और बिट्टू भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजे मजे जलवा है हमारा। ये था हमारे दोस्तों के साथ घूमने का छोटा सा कहानी। आप दो ना, आप दो ना। কত লাইক টার্গেট দিচ্ছ গার্লফ্রেন্ডের ফেস্টিভ্যাল করার জন্য? 1000 কমেন্ট লাগবে, ফেস্টিভ্যাল লাগবে। ওই দেখো সাইড দে সাইড দে।